chick mermaid. Hey guys, it's me Shreya. And it's me Swara. And it's me Sakshi. And welcome back to Shreya and Swara Show. तो गाइस वीडियो चालू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्ले चेस एंड 9 मंथ्स मोर इरीज। ये लाल बटन जो ऐसा लाल बटन है ना, उसको ग्रे कर दो, ठीक है। तो अभी चलो हाउ टू प्ले चेस एंड हाउ टू प्ले 9 मंथ्स मोर इरीज वो सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे चेस। चलो तो गाइस अभी हम आपको बताते हैं कि पहले तो हम कैसे सेट करते हैं चेस। तो सबसे पहले राजा, रुको, सबसे पहले आएंगे ये दो रॉक, इनको हिंदी में मानते हाथी। हाथी दोनों इधर एक, एक और इधर एक ऐसे रखते हैं, मैं और, मेरा रख दूं। और इन दोनों को बोलते हैं नाइट और हिंदी में बोलते हैं घोड़े। हाँ, इन दोनों को बोलते घोड़े को बोलते हैं नाइट और हिंदी में घोड़े बोलते हैं। तो और रुक के बाजू में होता है ये ऐसे, स्वरा भी रख देंगी, नहीं रख दिया। और इनको बोलते हैं बिशप, मराठी हिंदी में इनको बोलते हैं ऊंट। हाँ, ये आप इनको बिशप भी कह सकते हो, बिशप भी कह सकते हैं। हम मतलब जो मुंह में हम बोल देते हैं, ये है घोड़ों के बाजू में, इनको हिंदी में बोलते हैं ऊंट। और ये है राजा, ये है राजा, और ये है वजीर। वजीर, ये है वजीर, ये है वजीर जो कि रानी भी बोल सकते हैं, इधर होती है। और ये जो राजा है ना, वो कभी भी अपोजिट कलर में होता है। जैसे ये वाइट है तो ये ब्लैक पे होगा, वैसे ही उसका भी है, इसका ब्लैक है तो ये वाइट पे। और ये और जो ये सब है पॉन्ड छोटे छोटे, इन सब के आगे। हाँ, ये मैग्नेट बार बार निकलता है स्वरा, इनको हिंदी में कहते हैं सिपाही। और साक्षी हमारी मदद कर रही है। और गाइस हमको ना ये भी मिला था बाकी के गेम्स के लिए, तो हमने देखो क्या करा। हाँ, हमने इसको एक डब्बे पे रखा है। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन कितना चल रहा है। रुको, पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ये हमने क्यों रखा है। अगर मैंने इसकी मार दी, अगर मैंने ये मार दिया तो मैं व्हाइट पे रखूंगी, अगर इसने मेरा ये मार दिया तो वो उसकी इधर रखेंगी। तो हाँ, चलो मैं भी बताती हूँ कौन कितना चलता है। ये है पॉन, ये एक कदम या फिर दो कदम। जैसे कि अभी मैं इधर हूँ तो मैं एक चलूंगी, और अभी दो, आपके मर्जी आप कितने भी चले। और अगर इसने इसके ऐसे दो लाई तो मेरी चांस होगी इसने, मैं उसको मारूंगी। और अगर इसकी चांस होगी तो ये मुझे मारेगी। पॉन क्रिस क्रॉस मार, हाँ पॉन बस क्रिस क्रॉस मार सकता है। जैसे समझो अभी मेरा पॉन इधर है और मेरा पॉन इधर है ना, इधर, तो फिर ये मार नहीं सकता, मार नहीं सकते। पर अगर इसका पॉन इधर है, ठीक है, और मेरा पॉन इधर है, तो मैं उसको आसानी से मार सकती हूँ। और गाइस पॉन आगे ही जा सकता है, ऐसा आड़ा वेका नहीं जा सकता, बस मारने के लिए ऐसा जा सकता है, बाकी वे तो सीधा ही जा सकता। और अगर समझो इसने इन दोनों को मार दिया और मेरा जो पॉन्ड है वो इधर तक चला जाता है, तो वो कुछ भी बन सकता है, बस पॉन्ड ही बन सकता है, पर कुछ भी, जैसे कि रानी, राजा, बिशप, कुछ भी। अभी ये पॉन्ड है इसलिए उस वो रानी बनेगी, तो ये उसका, हम एक्चुअली रानी बोलते हैं, पर रानी चेस में नहीं होती है, वजीर होता है, पर हमने उसका नाम रानी रख दिया है। वजीर क्या, वजीर हमारे मुंह में नहीं आता जल्दी से। तो अभी हम ठीक है, और अभी रुक कैसे चलता है वो बताते हो। मैं बताती हूँ, रुक के लिए एक ये निकालते अभी ये, क्योंकि अगर हमारा पॉन्ड समझो रुक के आ गया तो रुक बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अभी इधर एक रुक है वो, हाँ, शेप में। चुप, अरे रुक ना यार, समझो अभी ये रुके, उसके आगे सुनना यार, ये रुके, उसके आगे पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है तो ही वो चल सकता है। अभी इसके सामने पॉन्ड नहीं इसलिए वो चल सकता है। तो ये पूरा इधर तक आ सकता है या फिर पूरा इधर तक, सर फिर से बता, पूरा इधर तक या फिर पूरा इधर तक। अगर आप इधर होगे तब भी आप ऐसे चल नहीं सकते, अगर आप इधर होगे तब भी आप ऐसे चल नहीं सकते, अगर आप इधर होगे तो ही आप चल सकते, क्योंकि आपके सामने ये है तो इसलिए आप ऐसे चल नहीं सकते।
अभी हम आपको बताते हैं घोड़े का। अब और ये जंप अगर ऐसा पॉन आगे होगा तो ये ऐसा जंप करके भी नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं घोड़े का। इसके आगे इसके ये जो घोड़ा है ना वो इसके आगे होगा तब भी चलेगा क्योंकि ये जंप करके जा सकता है। हाँ क्योंकि ये जंप कर सकता है ऐसे, एक दो और ये ढाई, घोड़ा बस ढाई कदम चल सकता है और इसके ऊपर से कूद सकता है। मैं साक्षी बस देखो वो हंस रही है क्योंकि जब भी हम बोलते हैं एक दो ढाई, ढाई बोलने के बाद ये हर टाइम हंसती है। एक दो ढाई या फिर एक दो ढाई, कौन से भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, पर एक दो ढाई करके जा सकते हैं और किसी के भी ऊपर से वो जा सकते हैं आराम से इजीली। तो इसके सामने भी ये नहीं चलता, ये किसका है वे? ठीक है, बिशप के आगे भी अगर ये होगा तो नहीं चल सकता, इसलिए हम इसको निकाल देते हैं। अभी ये बिशप आपको निकालना नहीं है, आपको उनके साथ खेलना है। हाँ, तो ये बिशप है, बिशप को बिशप, जैसे मेरा बिशप अभी व्हाइट है तो वो बस व्हाइट 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 पे ही चलेगा, ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस ही जा सकता, मतलब ऐसे नहीं जा सकता। अरे रुकना, मैं बता रही हूँ ना, ऐसे कूद के नहीं जा सकता वो, उसको क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस और एक ही टाइम में दो या तीन कदम ही, और वो पूरा ऐसा नहीं रह सकता है डायरेक्टली ऐसा ऐसा है। नहीं मैं इस वाली रुक, इस बिग शॉप को मैंने दी, अगर आप तो आप ऐसे जा सकते हो, पर अगर आप ऐसे नहीं जा सकते आपको रुकना पड़ेगा इधर। हाँ क्योंकि दो या तीन कदम जा सकते, एक कदम भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट जो है वो है हमारा वजीर। वजीर वो वजीर किधर भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, कुछ नहीं है, इसलिए वजीर सबसे मेन होता है और बहुत सारे लोग वजीर को चलाते नहीं है। और ये है राजा जो बस एक 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 जा सकते हैं, और गाइस कभी भी राजा बस एक ही कदम जा सकता है आगे, और एक कदम इधर या फिर एक कदम पीछे एक कदम इधर, कोई भी जो ये है कोई भी सैंपल या तो जो भी बोलते हैं कोई भी रुकना, कोई भी पीछे नहीं जा सकता, बस ये जो तीनों है वो ही पीछे जा सकते। अभी रानी समझो मेरी इधर है और मुझे मैंने इसका एक मेन पीस जैसे कि ये घोड़ा इधर है और ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, इसको राजा के लिए, तो मैं इसको मार सकती हूँ। और अगर उसकी गोटी मेरे पास नहीं है तो अगर समझो इसने ये वाली चलाई फिर मैं वापस से मेरे पीछे ले सकती हूँ, और ये रुक का भी ऐसे पीछे और इसका भी राजा का भी ऐसे। अभी ये वापिस वही वापिस है, तो फिर ये तो हो गया चेस कैसे खेलते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं नाइन मेंस मोरीज। तो गाइस हमने अभी ले लिया नाइन मेंस मोरीज, तो पहले हम बताते हैं सेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गाइस दो को ना प्लीज, एक के ऊपर एक। हाँ आपको नौ लेने हैं, छह लेने, एक के ऊपर एक ऐसे लगाना, सॉरी छह लेने हैं, छह गाइस टोटल छह, एक के ऊपर एक लगाना है आपको ऐसे बस। अभी मैं अभी 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 अब मैं आपको बताती हूँ, आपको जैसे हम खेलेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा। वैसे अभी ये है एक मोरी, अभी मैं इसको रखूंगी इधर, आप किधर भी रखो, अभी फर्स्ट चांस में आप किधर भी रख सकते। अभी श्रेया तू एक रख, इधर रख ले, ना ना उधर उधर वो मैं इधर रखूंगी, और मैं रखूंगी फिर इधर, मैं रखूंगी इधर, मैं इधर और मैं इधर। तो अभी हो गए, नहीं अभी वो बचा, मैं इधर, मैं रख से हूँ इधर, मैं इधर रख रही हूँ आपकी बात, इधर रख, इधर पक्का रख, मैं तो गाइज अभी हम देखते हैं कि कैसे खेलना। पहले तो हमारा अभी सब खत्म हो गया, तो अभी हमको ये जो येलो लाइंस है ना उसके ऊपर ही ऐसे ऐसे चल सकते हैं, और गाइज एक ही चांस में एक एक कदम ही जा सकते हैं आपको ऐसे ऐसे। हाँ एक चांस में ओनली एक कदम जा सकते हैं, और गाइज अगर आप इधर हो और आपको इधर आना तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इधर लाइन नहीं है, जिधर लाइन होगी बस आप उधर से ही जा सकते हो। अभी इधर लाइन है इसलिए मैं इधर से आऊँ, ठीक है।
अभी मेरी इधर की तो मैं वापस इधर। अभी मैं आपको खेलते खेलते आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है हमारी जो फ्रेंड्स वो बहुत होशियार है। चलो तो अभी हमको हिलाना है। जब श्रेया इधर, जब श्रेया के दो इधर थे तब मैंने ये वाले इधर क्यों रखे? अगर वो ये वाली इधर रखती और मैं ये वाली इधर रखती तो इसके ये तीन बन जाते। फिर मैं इसकी एक जो मोरी है वो ले लेती। इसलिए आपको ऐसी लाइन किसकी भी बननी नहीं देनी। थोड़ा सेम, थोड़ा सा टिक टैक टो जैसा है ये गेम। चलो फिर खेलते हैं। तो फिर मेरी चांस फर्स्ट, तू उसको उधर ले ले। इधर अच्छा है। क्या किया इस मैडम ने? मुझे पता है तू क्या करने वाली, तू इधर से इधर जाने वाली। ऑफ कोर्स तो मैंने, मेरा बन गया। रुक, मेरा बन गया। तो अभी मैं इसका ये वाला निकाल लेती हूँ। फिर शायद कि दो दो हो जाएंगे। अभी शायद उधर से भी कर ले एक बार। वहाँ मैं ऐसे कर नहीं सकते। क्यों? मैं सॉरी कर सकते हैं। अभी शायद तूने हिलाई कौन सी, तूने इधर लाई और आपने अगर वापस से ये वाले इधर रखी फिर आप मेरे वापस से निकालोगे, फिर नेक्स्ट चांस पे आप वापस ये वाले इधर नहीं ले सकती क्योंकि उसको चीटिंग माना जाएगा। बार बार उधर नहीं कर सकते। तो अभी इसने आगे पीछे, अभी मेरी गुटी निकाल। कौन सी निकालो साख? अभी रुक जा, तो निकाल दे फिर। ठीक है, ये वाली निकाल दे। मैं किधर चलाऊं? इधर चलो। अभी मैं चलाऊंगी इसको। इधर ऊपर ले ले। इधर हाँ ले ले। फिर तेरी इधर वापस एक बार कर। इधर उधर ले ली वापस। इधर नहीं हो सकता? इधर इधर। अबे रुक 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 ना तू, जल्दी कर स्वरा। इधर रखेगी शरद द्वारा पोपट पोपट। श्रेया को कुछ खेलना आता ही नहीं है इस बेचारी को। श्रेया को मैंने ही सिखाया है। तू खेलो। चलो अभी ये वाली गाना उधर से कर ले। पूरी ट्रैप बना, बंद हो गया रास्ता रास्ता रास्ता। गाय से इधर से आना चाहती थी ऐसे, पर मैंने उसका रास्ता ही बंद कर दिया। हिलाया। गाइस आप ऐसे कर नहीं सकते। क्या वो मेरी किधर गई? इधर इधर थी, इधर ही इधर थी ना पागल मेरी। हाँ अभी मैं इधर, मैं तेरी और एक लूंगी। साक्षी की कौन सी लू? हाँ तू ले ले, तू ए ले ले ए वाली। चलो अभी इसके बस तीन ही बच्चे, अगर मैंने इसकी एक और ले ली तो ये आउट हो जाएंगी। तो आपको पता चल गया ना कैसे खेलते हैं। अभी आपको ये मैच खत्म होने के बाद बता दे कौन जीतते। तो गाइस मेरा वापस हो गया है, तो मैंने इसकी और एक गोटी ले ली और मैं जीत गई। तो गाइस ऐसे खेलते गेम, आपको समझ में आ गया? हाँ गाइस, हमको तो बस तीन चार ही गेम आते हैं, जो 13 गेम्स आप देख सकती है। उल्टा लिखा है, वैसे 13-in-1 लिखा है। हमको 13 में से चार गेम आते हैं, एक स्नेक्स एंड लेडर्स, एक लूडो, एक चेस और एक नाइन मैन मोरिज। क्या आपको रुको रुको, क्या आपको स्नेक्स एंड लेडर्स और लूडो देखना है तो हमको प्लीज बता देना हमारे शॉर्ट्स पे। ये वाला भी गेम आता है और ट्रेन चेस। किधर गया ट्रेन चेस? और टिक टैक टो भी हमको आता है। हाँ टिक टैक टो ये भी आता है और मुझे ये दो भी आते हैं। किस किस को चाहिए कि हमें सारे गेम्स खेल के बताए तो फिर हमारे शॉर्ट्स पे। तो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आप सभी को हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।